गाइज एंड प्लीज वेलकम टू माई चैनल कृधा लीगल स्ट्राइड्स मी एडवोकेट अंशु महिंद्रा। हर दिन वीक में एटलीस्ट 3 डेज हम आपसे मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स के साथ। हर दिन मैं एक बात सोचती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशंस या अपडेशंस आपको एंटरटेन करती है, इज दैट सो? सीरियसली क्या आप उसे एक बार भी चेक करने की कोशिश करते हो या जस्ट फॉर अ सेकेंड यू स्वाइप इट ऑफ एंड जस्ट स्किप द वीडियो एंड वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। वेल आई नो दैट कि दिस इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, नो डाउट आपको हर दिन जो यहाँ मिलने वाला है कंसर्न दैट टू इट्स ऑल अबाउट इनकम टैक्स, GST फाइलेशन, कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट लॉ। कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम हर दिन वर्क करती है, दैट टू रेगुलर बेसिस पे वर्क करती है। COVID-19 की सिचुएशन चल रही है, स्टिल एट एवरी पोजिशन इज़ वर्किंग सम हाउ ऑन देयर होम साइड। स्टिल I2M established on my own bed and sitting firmly and making a video just for you guys. हर दिन एक नोटिफिकेशन डालती हूँ पर ट्रेमेंडसली मुझे कई सारे पीपल्स के बहुत सारे कॉमेंट्स आने लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। दे कॉल्स मी, व्हाट्सएप मी ऑन टू डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट। मतलब बहुत से लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि मैम जो कॉन्टेंट्स चीज़ें आप बताते हो ट्रेमेंडसली दे मे बी इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट क्लियर एट ऑल। क्लियरिटी इन सेंस वर्ड दे लैक फ्यू नॉलेजेस, उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो प्रिवेल करनी चाहिए थी। इज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जिनकी टैक्स पेयर्स की कैटेगरी 5 करोड़ के ऊपर की है, उनको अगर हम अगर कंसिडर करते हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि उससे बिलो वाले जो हैं उनके लिए उसका कोई रीज़न नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अगर मैं ऑनेस्टली बेसिस पे बात करूँ तो मेरी खुद की फैमिली मेरे वीडियो को नहीं देखेगी और इनफैक्ट देखना भी क्यों चाहेगी। आज प्रॉब्लम क्या है, हर दूसरा बंदा खुद को सरकार से कनेक्ट नहीं करता या करना चाहे भी तो उसके लिए अपना मीडिएटर अपॉइंट कर लेता है। द बिगेस्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन बिहाइंड दैट कि आज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हर बंदा इन्वॉल्व है, हर दूसरा बंदा इन्वॉल्व है। बट दैट टू अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारा सेल्फ डोन बिजनेस, हमारी सारी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स जो उस बिजनेस को चलाता है, ग्रो करता है, हर दिन बेसिस पे ग्रो करता है, इसके लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जो भी रेगुलेशन सरकार देती है उसके बारे में ना ही हमारे मीडिएटर को पता हो, हमें भी उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना मैंडेटरी है। सो गाइज आज के सेशन को हम बोर नहीं करने वाले। इस सेशन में आज हम ट्रेमेंडसली बात करने वाले हैं GSTR 5 के कंसर्न में, कुछ नोटिफिकेशंस चल रही हैं। ये मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक चार्ट है, चार्ट नंबर अप्रैल से सितंबर का था कि जिसके अंदर सारी नोटिफिकेशंस आई थी। बताया गया था कि आपको GSTR 3 की फाइलिंग कब करनी है, 1 की फाइलिंग करनी कब है, स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन से हैं ट्रेमेंडसली या फिर लार्ज कैटेगरी के टैक्स पेयर्स क्या हैं, क्या क्या अपडेशन आ रही है, व्हाट सो एवर। हमारे प्रीवियस वीडियो में इसकी सारी डिटेल मेंशनड है। आज हम GST 5 के कंसर्न में बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली NRTP के कंसर्न में है। दे आर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स जिनका सेल्फ्ड ओन बिजनेस इंडिया में नहीं है, ठीक है। दे आर द पीपल जिनको अपना GSTR 5 का फाइलेशन कंप्लीट कराना था, ठीक है। अगर आप जैसे मंथली बेसिस पे फाइलिंग करते हो, फॉर एन एग्जांपल फेब्रुअरी मार्च का अगर आपका मंथली बेसिस चल रहा है, क्वार्टरली नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथली प्रॉस्पेक्ट्स, फेब्रुअरी के मंथ में आपको टैक्स पे करना था तो जिसकी ड्यू डेट थी मार्च, ठीक, तो मार्च में ही आप ऑब्वियसली बातें भरोगे, फेब्रुअरी का दिया हुआ है आपको टैक्स पे करना है तो आप मार्च के केस में भरोगे, मार्च का है अप्रैल में भरोगे, मई का है तो जून में भरोगे, जून का है तो जुलाई में, जुलाई का है तो अगस्त में, नेक्स्ट ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपने फाइलेशन ड्यू डेट पे नहीं कराई है तो डेट रिवाइज्ड करके उसको 31st of August 2020 कर दिया गया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन GST 5 के कंसर्न में। वैसे तो हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द नोटिफिकेशन एंड अपडेशन इन्फॉर्मेशन वी विल वर्क फॉर ऑल कि आपको बेस क्लियर हो। दिस वॉज ऑल अबाउट कि आपका बेस अगर क्लियर रहता है किसी भी कॉन्सेप्चुअल एक्ट्स में, किसी भी नोटिफिकेशन में, यू वॉन्ट गेट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कि आपको नेक्स्ट अपडेशन या इन्फॉर्मेशन क्या आने वाली है।
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. हमारा सेशन हम यहीं एंड करना चाहेंगे. आज के सेशन में बस इतना ही कि GST 5 के कंसर्न में फाइलेशन कब कब होगा. तो आपको 31st of August तक इसकी फाइलिंग कंप्लीट करा लेनी है 2020 के अंतर्गत. फाइन, दिस वॉज ऑल इट फ्रॉम कृधा लीगल स्टार. फॉर मोर नोटिफिकेशंस इन्फॉर्मेशंस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. हम पूरी कोशिश करते हैं, हर दिन बेसिस पे करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहें. वेल, आवर टीम इज़ ट्रेमेंडसली वर्किंग कि इस कॉन्सेप्ट को बोरिंग से हटा के कुछ क्रिस्पी ज़्यादा बनाया जाए, जो कि हर एक बंदे तक इसकी इम्पोर्टेंस पहुँचे. चाहे फिर वो हमारा बिजनेस क्लास हो, हमारा स्टूडेंट क्लास हो, लॉयर्स हो, एनी XYZ जो कि अपने बिजनेस को रन करते हैं. सो कीप योरसेल्फ लर्न्ड एंड अपडेटेड. वी विल मीट सून अगेन. थैंक यू सो मच.